स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 765 डिग्री को लोएस्ट एंगल में रिड्यूस कर लेंगे। 765 को रिड्यूस किया हमने 90 डिग्री से, 8 × 7 = 20, जब हमने रिड्यूस किया तो रिमाइंडर 45 आया। तो साइन 765 को वी कैन राइट 90 डिग्री इंटू 8 + 45 डिग्री। नाउ द सेकंड स्टेप इन दिस केस, अब ये वैल्यू देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, थर्ड में टैन और कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होती हैं, यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हमारे पास साइन में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री किसी इवन वैल्यू का मल्टीपल है, इवन वैल्यू का मल्टीपल है, इट मींस कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वो चेंज नहीं होगा, साइन का एज इट इज साइन रहेगा। अब हम देखेंगे कि साइन के साथ नेगेटिव साइन आएगा या फिर पॉजिटिव साइन आएगा। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, 0 है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री और 270 डिग्री। अगेन जब कंप्लीट राउंड होता है तो ये हमारे पास 360 डिग्री का वन राउंड। 360 डिग्री को अगर हम पाई की टर्म्स में लेना है तो 2π रेडियन। तो 90 डिग्री 8 बार देखते हैं यहाँ से चल के, 190, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मीन्स 360 हमारे पास दो बार दो रोटेशन में आया है। नाउ द साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो 90 डिग्री इंटू 8 + 45 यहाँ पर लाई करता है। तो जब भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट में एंटर करते हैं या फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एज इट इज़ रहती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एज इट इज़, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव आएगा और एंगल हमारे पास 45 रह जाएगा और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। तो इसे भी हम क्वाड्रेंट की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले और टिप्स इसके याद रखने हैं। कॉसेक नेगेटिव, जब भी हमें कॉसेक नेगेटिव एंगल है या फिर कॉस है, कॉस नेगेटिव है या फिर साइन इस फॉर्म में एंगल है, इट मींस कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। यहाँ माइनस आ गया राइट एंगल, अगर इस तरह से हम ड्रॉ कर लें तो हमारा कॉसेक है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो कॉसेक को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा बना कि ये वाला माइनस जो है आउटसाइड द कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 1410। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसको लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है। लोएस्ट फॉर्म में हम कैसे डिवाइड करेंगे, 1410 को सबसे पहले तो हम 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने के बाद जब हमने 1410 डिग्री को 90 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 60 रह गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री इंटू 15 + 60 डिग्री। अगेन हम इसको देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने फिर यहाँ से स्टार्ट होना है कि 15 बार 19 काउंट करना है आपने, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 + 60 मीन्स कि ये जो वैल्यू है हमारी कॉसेक 90 डिग्री प्लस 15 प्लस 60, और जब 90 डिग्री किसी
ऑड नंबर का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो सेक भी नेगेटिव आएगा, तो एक माइनस ये और एक माइनस इस तरह से 60 डिग्री, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सेक 60 डिग्री होता है 2। तो कोसेक माइनस 1410 डिग्री की जो एक्चुअल वैल्यू इवेल्युएट करके आई दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 90 पाई अपॉन 3। अगर एंगल पाई की टर्म है, आप इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में इजीली चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन सॉल्व इट एज इट इज। सबसे पहले हमने 19 को 3 से डिवाइड किया, 6 3 जर 18, 1 रिमाइंडर, सो वी कैन राइट टेंजेंट 19 पाई अपॉन 3 इज 6 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3 व्हेन वी सॉल्व इट। 6 3 जर 18, 18 प्लस 1 19। नाउ अगेन वी विल ऑब्जर्व द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाई। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री या फिर ये 360 है, 360 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 डिग्री, 180 मीन्स पाई, और 270 मीन्स 3 पाई अपॉन 2, और 360 2 पाई के इक्वल है। नाउ 6 टाइम पाई है, 1 पाई हमारा ये हुआ। नाउ दिस लाइन हियर 360 जब 1 रोटेशन हो जाता तो ये 2 पाई हो गया। नाउ 3 पाई हियर इस लाइन पे, अब जब सेकंड 1.5 रोटेशन हुआ 3 पाई, देन 4 पाई, 5 पाई, देन 6 पाई, हमारे पास जाके 6 पाई ये रोटेशन हो जाता है पूरा। 6 पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, एंड वी ऑलरेडी फेमिलियर दैट आफ्टर पाई प्लस सम एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेवर चेंज। तो टैन विल रिमेन टैन, बट एंगल कौन सा रह जाएगा सिर्फ अब पाई अपॉन 3, और टेन पाई अपॉन 3 मीन्स अगर हम पाई को 180 अपॉन 3 की टर्म्स में इसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री होता है रूट 3। इन दिस वे वी कैन सॉल्व कैलकुलेट द टेंजेंट 19 पाई अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। व्हेनेवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज एज ए नेगेटिव एंगल, इट मीन्स इट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीन हम मतलब फिर समझ लेते हैं कि एंगल यहाँ पे लाई करता है, राइट एंगल यहाँ पर है, तो साइन माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन माइनस एक्स चेंज इंटू माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इसको इसके साइन को सॉल्व कर लिया 11 पाई अपॉन 3। अब 11 अपॉन 3 को मिक्स फ्रैक्शन में और इसको लोएस्ट टर्म में हम रिड्यूस करेंगे। 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो 3 जा 9, हमारे पास 2 रह जाता है, देन 3 पाई प्लस रिमाइंडर है 2 पाई अपॉन 3। 11 पाई अपॉन 3 वी कैन राइट एज 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। नाउ अगेन वी विल ऑब्जर्व द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन विच क्वाड्रेंट इट लाई। दिस इज 0, दिस इज पाई अपॉन 2 पाई, एंड 3 पाई अपॉन 2, एंड दिस इज अगेन आफ्टर 1 रोटेशन, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम कंसीडर करेंगे तो 2 पाई लेंगे। अब 1 पाई हाफ रोटेशन से 1 पाई, देन 2 पाई फुल रोटेशन, 1.5 रोटेशन पे हम पहुँचे यहाँ पर 3 पाई सम एंगल, इट मीन्स कि साइन जो है ये साइन नहीं लेंगे, साइन 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 आया, बट एज वी नो दैट पाई में सम पाई एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, तो साइन विल रिमेन एज साइन साइन, और एंगल होगा 2 अपॉन 3, बट
इन दिस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव हमारे पास आया इसको सॉल्व करके, बट वन माइनस इज ऑलरेडी देयर, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया. नाउ वी विल अगेन रिड्यूस टू पाई अपॉन थ्री एज पाई माइनस पाई अपॉन थ्री. अब हम अगेन इस स्टेप में देखेंगे कि साइन पाई माइनस पाई अपॉन थ्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है पाई माइनस पाई अपॉन थ्री माइनस पाई माइनस पाई अपॉन थ्री. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई पर एंगल, पाई मीन्स 180 के बाद रोटेशन के बाद एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होती, तो साइन विल रिमेन एज साइन. और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा और एंगल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस ड्यू टू दिस पाई 180 एंगल साइन विल नॉट चेंज और पाई अपॉन थ्री हमारा एज इट इज़ रह जाएगा. साइन पाई अपॉन थ्री मीन्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 रूट थ्री अपॉन टू होता है. इस तरह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, इस वैल्यू को चेंज सॉल्व कर सकते हैं.